सरकार ने जब हमारे पास पहुंचाई है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के हम तक पहुंचाई होगी। वैक्सीन हमारे लिए इसीलिए बनी है ताकि हम कोरोना से लड़ पाए या बच पाए। तो अगर बच समझे ठीक है, आप बच नहीं पाए, आपको फिर भी हो गया, तो आप लड़ तो सकते हो ना, इसलिए कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के काफ़ी सारे काम हो गए, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी और रोटी। क्या बनाओ क्या बनाओ सोचता नहीं, इसलिए सोचा कि चलो आज अंडा भुर्जी बना लूँ। सब कुछ खा के हो गया, सब्जियाँ एक तो मिल नहीं रही है आजकल, जो मिलती है वो खा खा के थक गए, वही रिपीट रिपीट हो रही है, इसलिए फिर सोचा कि अंडा भुर्जी बनाओ। तो पहले मैंने जीरा डाल ऑयल डाला, फिर जीरा देन ऑनियन डाल दिया बारीक कट करके। और मैं भुर्जी ना बाजू वाली आंटी को भी देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बाजू वाली आंटी जो है ना वो है मराठी और उनके हस्बैंड जो है वो है राजस्थान के, इसलिए उनके हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते और आंटी खाती है। लेकिन उनके हस्बैंड उनको घर में बनाने नहीं देते, बोलते बाहर से लाया तो चलेगा लेकिन घर में नहीं बनाने का, तो इसलिए फिर उनके ना नॉनवेज के थोड़े से वांदे हो जाते खाने के लिए। तो फिर हमने अभी कुछ भी बनाया ना, तो हम कोशिश करते कि हम उनको भी दे, और वो भी बहुत कुछ देते रहते, पता है वो भी इतनी वैरायटी ट्राई करते हैं ना, कुछ ना कुछ डेली बनाते अलग अलग, और वो देती रहती। तो फिर उनके प्लेट हमारे पास जमा होते रहते, और फिर खाली प्लेट देना भी अच्छा नहीं लगता है, फिर हम भी कुछ बनाए ना तो उनको देते, उल्टा वो अच्छा लगता है कि सरप्राइज़ में आपको अचानक कुछ खाने के लिए मिले। जब आप बनाते हो आपको पता रहता है कि आज मैं समोसा बनाने वाली हूँ या आज मैं ढोकला बना रही हूँ, तो आपको बनाने तक ही पूरा मन भर जाता है, खाने के टाइम पे मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर अचानक से आपको कोई प्लेट भर ला के दे ना गरम, वो भी गरम गरम, वो आंटी तो सिर्फ गरम गरम देती है, मतलब वो तवे पर का डायरेक्ट लेकर आती कभी कभी तो, कि ले खा ले ऐसा, तो इतना अच्छा लगता है ना कि गरम गरम जब आपको खाने के लिए मिलता है ना तो वैसा रहता है। तो फिर हम भी कुछ भी बनाए ना तो उनको देती, क्योंकि उनको भी पसंद है और उनको हमारे हाथ का घर का भी पसंद रहता है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से खाना बनाती, मतलब साफ़ सफाई के साथ हम भी, तो मतलब हम दोनों का जो है ना वो जमता है अच्छे से, तो इसलिए फिर अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि भुर्जी बनाए तो उनको भी दूंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर टोमेटो डाल दिया, देन सारे मसाले डाल दिए,
और परी खेल रही थी, जो आपने लास्ट में देखा ना कि परी गद्दी पे अपने आप टीवी देखते देखते खेल रही थी, वैसे वो अभी खेल रही है, इसलिए मैं फिर काम पे लग गई हूँ। क्योंकि अगर वो खेल रही होती है ना तो मेरा काम हो जाता है। आज ना वो काफ़ी शांत है, वैसे इतनी शांत रहती नहीं है लेकिन आज काफ़ी शांत थी। तो यहाँ पर मैं ना 3 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी और एक सब्जी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस अंडा की भुर्जी हो जाएगी और सब्जी भी है। और फिर भी मासी ने भी ये बनाई थी क्या दाल तड़का, तो वो भी वो देने वाली है, तो मैंने बोला ना कि वो देते रहते कुछ ना कुछ, तो इसलिए हमारा एक्सचेंज होता रहता है। तो हमने अगर एक सब्ज़ी बनाई तो भी हम दो खाते हैं एक साथ में, उन लोगों का भी वही हो जाता है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और वो कचरा वचरा भी सब उठा के डाल दूँगी फटाफट, क्योंकि परी मस्त खेल रही ना तो मेरे काम फिर आराम से होते, ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ मैं। परी कभी कभी ऐसी परेशान करती है कि पूछे मत, और अभी क्या नीचे जाने के लिए नहीं मिलता ना, इसलिए उसकी कभी कभी चिड़चिड़ होती है। तो आज पता नहीं कि मूड एकदम अच्छा है उसका, तो एकदम ऐसे शांत अपने आप टीवी देख रही है बैठे, या अपने आप कुछ लेके खेल रही है। तो मैं जब वो ऐसा करती ना तो फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलता है काम करने के लिए। इसीलिए तो अंडा भुर्जी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत लगती, वैसे फटाफट हो जाती है। अभी गैस थोड़ा स्लो करके रख दूँगी ताकि थोड़ी अच्छे से बन जाएगी, और मैं वो जो किचन पे सारे कचरा पड़ा है वो उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, और रोटियाँ बाद में बनाऊँगी मैं आराम से, कोई जल्दी नहीं इसीलिए। तो बस ऐसा आज का दिन चल रहा है, सुबह से बहुत काम किया, मॉर्निंग रूटीन ऐसा रहता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला, तो परी के पीछे थोड़ा सा भागना पड़ता है, कभी कभी मस्का मारना पड़ता है, ऐसा करके हो जाता है। और वहाँ पे साइड में मैंने परी के लिए पानी रखा है गर्म करने के लिए, और ये मैंने धनिया पत्ता पाउडर डाली है। एक्चुअली कभी कभी धनिया नहीं हो ना, तो बाजू वाले आंटी ने मुझे दे के रखी, उन्होंने बनाई थी तो मुझे थोड़ी दी थी, तो बस एकदम थोड़ी सी डालनी होती है चिमुट भर, तो हमें जो धनिया वाला स्वाद होता है ना वो मिल जाता है। तो बस फाइनली मेरे धनिया पत्ता पाउडर डाल के मेरी अंडा भुर्जी जो है वो बन गई। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी को अभी थोड़ा सा उसके साथ करती हूँ थोड़ा सा मस्ती, और उसको ये करना है मुझे मालिश करनी बाकी है, तो उसको मालिश वालिश कर लेती हूँ, फिर नया वहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक कपड़ा मैंने यहीं पे रखा है कि फटाफट पोंच के रख दो तो काम तमाम हो जाता है, इसीलिए वैसे साइड में मैं रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी की मालिश करती हूँ और अंडा भुर्जी गर्म गर्म मांस को भी देखे आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आरटीपीसीआर का, तो उसका रिपोर्ट जो आया है वो आया है नेगेटिव। तो फाइनली मेरी मम्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव निकली। और पता है मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला रिपोर्ट आया ना, तो मुझे पता था कि नेगेटिव आया, तो बोलती नहीं पॉजिटिव आया, और चेहरे पे इतनी खुशी है कि पूछिए बस। मैंने बोला तेरा चेहरा देख के पता चल रहा है कि रिपोर्ट क्या आया है वो। तो अभी मैंने मम्मी को बोला कि आप वैक्सीन ले लो, तो मम्मी बोली कि हाँ उसके बाद बुखार आता है। तो मैंने बोला हाँ बुखार आता है, बहुत सारे लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे अभी कुछ चीज़ें वायरल हुई थी, उसमें पता चलता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब बहुत सारी अफवाह फैल रही है कि जिसमें बुखार आता है या फिर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए वैक्सीन जब हम तक पहुँची है तो वो बहुत सारे जगह पर अपनी
क्या बोलते एग्जाम देकर हम तक पहुंचे। सरकार हमारे पास ऐसी वैक्सीन लेकर नहीं आया है कि उसका रिजल्ट नहीं, फिर भी आप लो वैक्सीन, ऐसा नहीं है। सरकार ने जब हम तक वैक्सीन पहुंचाई तो इसका मतलब यह कि सरकार ने भी उसकी बहुत सारी टेस्ट की है। जब उनको पता चला कि हाँ ये वैक्सीन लोगों को लग सकती है और उससे इलाज हो सकता है या इससे कोरोना ना हो सकता है, तभी उन्होंने हम तक पहुँचाई है। तो ये जो भी अफवाह है वो देखिए, अभी मैं अपना बता दूँ कि मुझे क्या लगता है, बाकी जैसी जिसकी सोच। तो वैक्सीन कोई भी लगाए इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोरोना होगा, कोरोना हो या वो चीज़ होगी ही नहीं। किसी की भी कोई भी जब हमें वैक्सीन लगती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज हो जाती है। इसका मतलब वो हो जाता है कि वो जो भी बीमारी है उससे लड़ने की आपके शरीर के अंदर एक रोग प्रतिकारक शक्ति हो जाती है, या उससे लड़ने की आप में उतनी हिम्मत आ जाती है, इसीलिए वो हमें जो भी वैक्सीन है वो लगती है। जैसे कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको वो बीमारी ना हो, या अगर हो तो उससे लड़ने की उनमें शक्ति हो, इसीलिए दी जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोरोना होने के बाद, सॉरी वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होता है, तो ऐसा कहीं पे दावा किया ही नहीं गया है कि मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना होगा ही नहीं। कोई भी आपको अगर वैक्सीन लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो चीज़ कभी होगी नहीं, हो सकती है, लेकिन हाँ आपके बॉडी में उसके एंटीबॉडीज होंगी तो आप उससे लड़ सकते हो, वो बीमारी से आप लड़ सकते हो, इसीलिए वो आपको वैक्सीन लगाई जाती है। मम्मी ने मुझे वही कहा कि हाँ मुझे वैक्सीन लगाने के बाद मैंने सुना है कि बुखार आता है एक दो दिन तक, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि वो इसीलिए आता है। जब हम छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो हमें डॉक्टर बोलते हैं कि एक दो दिन तक बुखार आएगा ये वो, तो इसीलिए क्योंकि वो जब तक वो जब वो वैक्सीन हमें लगती है तो एक दो दिन तक वो हमारे बॉडी के अंदर वो उस जो भी बीमारी है उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसीलिए वो टाइम लगता है कि एक दो दिन तक हमें बुखार आ सकता है या हमें वीकनेस लगता है, वो इसीलिए लगता है। और ये जो भी अफवाह फैल रही है ना कि कोरोना होने के बाद फिर भी वैक्सीन लेने के बाद फिर भी कोरोना होता है, तो ये ऐसा इसका कहीं भी ये दावा नहीं है कि आप कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना होगा ही नहीं। वो इसीलिए कि आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो उससे लड़ पाएगी, आपकी बॉडी जो है वो उस बीमारी से लड़ पाएगी, इसीलिए वो हमें वैक्सीन लगती है। कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा कि जितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगी ना उसमें से बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं हुआ, बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों को नहीं भी हुआ। तो अगर कोरोना होता भी है ना तो उनका जो डेथ रेट है ना वो शायद 0% है या फिर बिल्कुल भी या फिर थोड़ा बहुत ही है। मतलब जब आपको वैक्सीन लग जाती है उसके बाद अगर आपको कोरोना होता भी है ना तो डेथ रेट नहीं बढ़ होता, आपकी डेथ नहीं हो सकती है, मतलब बहुत कम लोगों की डेथ होती होगी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कल, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन वो एक ना सेफर साइड है कि आप वो वैक्सीन लगाए तो आपको अगर कोरोना होता भी है तो आप उसे लड़ सकते हो। और जैसे मैंने कहा देखिए, अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगाते हो तो भी आपको कोरोना होने का डर है, वैक्सीन लगाने के बाद भी है, लेकिन उससे आपको कुछ अलग तो नहीं होने वाला है ना, ठीक है ना। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना ही हो सकता है, तो लगाने से ये तो हमें एक रहेगा ना कि शायद ना भी हो, ये तो रहता है ना, तो लगाने की वजह से मुझे पर्सनली लगता है। इसीलिए 1 मई से शुरू होने वाला है हम 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए, और हम तो लगाने वाले भाई कुछ भी हो जाए। और जब बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा ना तो मैं सबसे पहले परी को भी लगाने वाली हूँ। और रही बात की बोलते कि जब हमें वैक्सीन लगता है ना उसके 2-3 दिन तक हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें कोरोना पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे आप बाहर मत घूमो, घर के अंदर रहो वैक्सीन लेने के बाद, जिससे कि आपको कोरोना होने की चांसेस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए आपको हो सकता है। जब 2-4 दिन के बाद आप फिर से अच्छे फील करोगे तो उसके बाद आप मतलब नॉर्मली कुछ काम है तो जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो वैक्सीन लेनी चाहिए से मुझे लगता है। और जब मम्मी ने मुझे कहा कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है तो मैंने भी उनको वही समझाया कि बुखार इसलिए आता है कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज बनती है और वैक्सीन लेना जरूरी। सरकार ने जब हमारे पास पहुँचाई है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के हम तक पहुँचाई होगी। वैक्सीन हमारे लिए इसीलिए बनी है ताकि हम कोरोना से लड़ पाए या बच पाए। तो अगर समझे ठीक है आप बच नहीं पाए, आपको फिर भी हो गया, तो आप लड़ तो सकते हो ना, इसलिए कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। तो बहुत लेक्चर दे दिया एक्चुअली। जब आपके मतलब मेरे साथ ये होता है कि जब मेरे किसी पे चैनल के साथ कुछ चीज़ें होती ना उस टाइम पे मैं उस बारे में बहुत कुछ सर्च कर दूँ। इससे पहले मैंने इतना कुछ सर्च नहीं किया था, लेकिन जब मम्मी का ये सब चल रहा था पिछले 8-10 दिन से ये सब चल रहा था, उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ देखा, वीडियोज के थ्रू बहुत कुछ पढ़ा, उसमें मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चली। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी रखिए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि ये जो कोरोना ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे और एक मौसी की भी तबीयत खराब है, तो मतलब मैं और पता है मेरा
मेरा भाई है ना, उसके फ्रेंड के पापा भी इसी वजह से गुजर गए। अपने बच्चों की और आपके जो भी मतलब आपसे बड़े एल्डर है उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और खुद का भी रखिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, ये वाला कोई नहीं है कि किसी को होगा किसी को नहीं। बस इतना है कि बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, ये इतना भी सुनाई दे रहा है। लास्ट जो था वो बच्चों को ज़्यादा नहीं हो रहा था, बट इस बार बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, तो बस उतनी केयर कीजिए। तो बस वही, और सुबह से मैंने हाँ काम कर लिए, परी को नहलाया, मैंने नहा लिया और अभी फिर से साफ सफाई करनी। एक्चुअली परी ने फिर से मेस क्रिएट की है, वो सब करने, तो उसने सारे उसके खिलौने फैला के रखे, वो मुझे भरने। और आजकल क्या कर रही हूँ ना मैं, जब से मैं ये घर में आई हूँ ना, तब से मतलब मुझे दो दो तीन महीने होने को आ चुके हैं, तो तब से ना हमारे बाजू वाले आंटी जो है ना वो घर पे सब बनाते हैं, मतलब कि चूड़ा फरसान वो मतलब बेचने के लिए बनाते, अगर किसी के ऑर्डर्स हो तो वो बना कर देते। तो हम ना उनसे फिर अभी बहुत सारी चीज़ें लेने लगे हैं जब से हम यहाँ पे आए, उन्होंने बताया। उसके बाद हमने एक दो बार स्टार्टिंग में लिया, हमें अच्छा लगा, तो पोहा का चूड़ा हो गया, शंकर पाले हो गई, फिर वो जो चकली होती चकली हो गई, इससे बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाने से अच्छा है कि वो अच्छे से बनाते हैं। मैंने देखा है कि वो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जब भी वो किसी के लिए कुछ भी बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से, मतलब वो क्या ना दिल से बनाते हैं, मतलब मैंने इसे देखा है। उनको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं मेरे सामने, कभी कभी बोलते हैं हाँ इसका ऑर्डर है, हमारे सोसाइटी में भी आते किसी किसी तो बोलते हैं उसका ऑर्डर, ये विंका है वो विंका है। तो मैंने देखा है कि वो एकदम दिल से बनाती है, मतलब उनकी उनके पास से मैंने आज फिर से तीसरी बार पोहा का चूड़ा लिया, लेकिन आज तक मुझे टेस्ट में फ़र्क ही नहीं लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो पहली बार खाया था ना वही मैंने सेकंड टाइम भी खाया, मतलब उसी में से खा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी मांगती हूँ उसमें से खा रही हूँ, ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, एकदम परफेक्ट वो बनाती है। जो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में टेस्ट के लिए दिया था ना थोड़ा सा चूड़ा, मैंने टेस्ट किया मुझे पसंद आया, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम बनवाया, मुझे लगा थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा ना कुछ तो फ़र्क होगा, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं आता है, एकदम परफेक्ट जैसा को वैसा वापस मिलता है। इस बार आज मैंने तीसरी बार मंगवाया, आज ही सुबह मैंने उनको बोला, तो बोले हाँ मैं बनाने वाली हूँ तेरे लिए मैं बना के दे, तो जस्ट अभी उन्होंने ला के दिया, बिल्कुल टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, वैसा का वैसा मिलता है। तो हम फिर उनके पास से कुछ ना कुछ बनवा के लेते हैं नाश्ते के लिए वगैरह, क्योंकि परी के लिए भी लगता रहता है। बस हम वेफर्स बाहर से डिमांड जाते तब लेकर आते, बाकी क्या और ये लाते फरसान लाते, अगर लाना पड़ा तो, मतलब डायरेक्ट वो मिक्स फरसान होता है वो भेल के लिए या फिर इसके लिए लगता है ना मिसल पाव के लिए, नहीं तो फिर जो भी उनके पास से हो सकता है हम बन खाते हैं वो हम उनके पास से लेते, बाहर से नहीं लाते जब से हम यहाँ पे आए तब से, तो एटलीस्ट। तो बस वही, तो आज हमारा चूड़ा आ चुका है, वेफर्स ख़त्म हो गए, अभी डीमार्ट में जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी भीड़ भी है और शायद बंद हुआ होगा, पता नहीं मुझे, और ऑनलाइन तो होता नहीं, अभी ऑनलाइन में देख रही थी उस दिन तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा था मुझे, नेक्स्ट तीन चार दिन तक बोल रहे थे उसके बाद आप चेक करो, लेकिन फिर भी मिला ही नहीं, तो इसलिए ऑनलाइन वगैरह भी कुछ नहीं है। तो अभी जो भी है वेफर्स ख़त्म हो चुके हैं, मैंने चूड़ा बना के लिए मैंने सोचा कि जब तक जाएगा वो जाएगा, आगे का आगे देखेंगे, तो इसीलिए। तो चलिए मैं अभी परी ने जो भी मेस क्रिएट की वो साफ़ कर लेती हूँ, और मम्मी का रिपोर्ट नेगेटिव आया तो मम्मी एकदम खुश हो गई है, और हमें भी अच्छा लगा कि चलो भाई नेगेटिव आया, क्योंकि पॉजिटिव आता तो फिर वही है कि मतलब इंसान के मन में डर रहता है, तो चलो नेगेटिव आया तो उसके भी चेहरे पर खुशी आ गई, हम भी कब से वही सोचते थे कब आएगा रिपोर्ट, कब आएगा रिपोर्ट, कब आएगा, आ गया तो अच्छा लगा कि चलो फाइनली सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बस वही, अभी क्या, चलिए मैं काम कर लेती हूँ, बातें तो बात होती रहती है, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और आज मैंने हेयर वॉश भी किया। और हाँ एक चीज़ दिखा नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ, तो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग ऐसे मुझे लग रहा है बड़ा होने वाला है, मेरे ब्लॉग हो ही जाते बड़े, क्योंकि जब मैं ऐसे सोच समझ के बनाती हूँ ना कि हाँ मुझे सिर्फ ये दिखाना है तो मैं उतना ही दिखाती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे स्टार्ट दिन में सुबह सुबह स्टार्ट कर देती हूँ ना तो ऐसा ये नहीं रहता कि इतना ही दिखाना है उतना, फिर ऐसा लगता है जो जो कर रही हूँ शूट करती जाती हूँ मैं, और फिर लगता है यार अभी क्या कट करूँ, इसलिए बड़े हो जाते हैं। तो बस इसीलिए, तो और एक चीज़ मुझे दिखानी, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, शायद इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, पर मैं जो किया है वो साफ कर लेती हूँ और बैठती हूँ थोड़ी सीरियल्स देखती हूँ इसीलिए, तो चलिए।
मैंने अभी अपनी ले लिया था उसे खाने के लिए और नमस्ते। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा पेपर लगाओ जिससे क्या होता है ना जल्दी ख़राब नहीं होता इसलिए, तो महीना डेढ़ महीना टिकेगा, तो इतना तो ये महीना डेढ़ महीना टिकने के लिए उतना बचेगा ही नहीं, 7-8 दिन में ख़त्म हो जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन बस मैंने फिर भी लगा के रखा ताकि अच्छे से रहे एयर टाइट इसलिए। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ और कुछ सीरियल वगैरह देखती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी बज चुके 3:30 और मैंने थोड़ा सा चूड़ा खाया, थोड़ा सा काम किया और एक सीरियल देखी। तो आजकल ना मैं 3-4 सीरियल देख रही हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है। तो पहले तो मैं 2 ही देखती थी, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर अभी प्रतिज्ञा 2 आ गया है तो मैं प्रतिज्ञा 2 भी देखती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। उसका पहला जो सीज़न आया था वो भी मैंने देखा था, पूरा देखा था। मैं चाहती हूँ विदाई 2 आ जाए क्योंकि मैं विदाई जब वो ख़त्म हुई थी ना उस टाइम पर मैं रो रही थी सच में, मतलब वो 3 साल शो चला था और उसके बाद जब वो ख़त्म होने का टाइम आया तो मैं भी रो रही थी लास्ट एपिसोड देख देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसीलिए अभी मैं चाहती हूँ कि विदाई 2 भी आनी चाहिए। वैसे साथ निभाया साथिया का सीज़न 2 आया, प्रतिज्ञा का सीज़न 2 आया, वैसे इसका भी आना चाहिए। और ये देखा मैंने परी का ही बेल्ट लगा दिया, एक्चुअली परी को मैंने अभी बीच में लिया था लेकिन परी लगाती ही नहीं है। जब मैंने ब्लॉग स्टॉप कर दिया था ना उस टाइम में मैंने बहुत कुछ ऐसी शॉपिंग की थी, जैसे मेरे लिए अपने लिए एक बैग ली थी, एक कुर्ता लिया था, एक टॉप लिया है, परी के लिए कुछ लिया है, घर के अकॉर्डिंग कुछ लिया था, लेकिन अभी याद ही नहीं क्या कहाँ पे क्या क्या रखा है। जो जो जब जब याद आता है तो बता दूँ। तो ये बेल्ट पर मैंने तभी बीच में कभी लिया था और बस बाकी कुछ नहीं, परी अभी भी सोई है। और चूड़ा आप लोगों ने देखा ना कैसा है, तो वो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो बाजू वाली आंटी ने एकदम परफेक्ट बनाती है, मस्त चूड़ा आया है। तो मैंने अभी थोड़ा सा खाया, अच्छा लगा। और वो पता जल्दी से ख़त्म भी नहीं होता है, तो अगर वो बोलते एयर टाइट कंटेनर में रखो ना तो उनकी गारंटी कि उनका चूड़ा 1-1.5 महीने तक ख़राब नहीं होगा, ऐसे गारंटी के साथ हो देते हैं। तो बस वही, और क्या बता रही थी मैं, सीरियल। हाँ सीरियल कौन से, तो हिंदी में तो ये 3 देखती हूँ, फिर शनिवार रविवार में मतलब वो देखती हूँ क्या डांस दीवाने, वो कलर्स पे आता है बिग बॉस के बाद अभी स्टार्ट हुआ है माधुरी दीक्षित का, तो वो देखती हूँ डांस दीवाने सैटरडे संडे। और डेली में मराठी सीरियल देखती हूँ, ये माझा होशील ना, वो मुझे अभी आजकल अच्छी लगने लगी है। और वैसे मुझे देव मानुष भी देखनी थी, मराठी सीरियल है, लेकिन वो मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखी ना इसलिए फिर अभी मुझे बीच में घुसना पसंद नहीं है कोई भी सीरियल, मतलब अगर स्टार्टिंग से देखी ना तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैंने वो माझा होशील ना उसमें बीच में एंट्री मारी है, स्टार्टिंग से नहीं देखा, उनकी शादी के टाइम से देखने लगी लेकिन अच्छी लगी मुझे। और अभी मुझे काफ़ी सब पता चल गया पहले का क्या क्या था वो सब, लेकिन कोई भी सीरियल के मतलब कुछ भी देख रही हूँ ना तो मुझे बीच में से घुसना पसंद नहीं। और आज का फ़ोन आता है इसलिए कट हो गया था। तो क्या बोल रही थी मैं, याद नहीं अभी क्या बोल रही थी। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे मैं कर दूँ क्योंकि अभी आगे का पता नहीं कैसे दिन जाएगा और ब्लॉग बड़ा हो जाता है। वैसे पता है क्या आगे क्या है, कोई नहीं मैं शूट कर सकती हूँ लेकिन ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है ना फिर मुझे 2-2 डालने पड़ेंगे, आज एक कल एक, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं ना फिर छोटा ही बनाने के लिए मैं ये करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं ये पे कर देती हूँ। परी का बेल्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है मैं आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर ना मस्त कैसे छोटू सी डॉल है, लेकिन परी मैडम को पसंद ही नहीं है। अगर वो उसको पसंद होता ना तो मैं उसके लिए बहुत कुछ लेती, मुझे बहुत कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें पसंद है, मैं ऑनलाइन पे या यहाँ पे भी देखती रहती हूँ कहीं जाती हूँ, लेकिन पर ये सर पे कुछ रखती ही नहीं इसलिए नहीं ले पाती। वैसे भी फिर भी उसके पास 8-10 हेयर बेल्ट है लेकिन वो पहनती नहीं है, ये बात है। या तो मुझे बहुत पसंद है उसके लिए लेना, जब उसको बाल आ जाएंगे ना तो मैं उसके लिए बहुत कुछ लूँगी, तब तक वो थोड़ी समझदार भी हो जाएगी कि वो रखना चाहिए सर पे वगैरह। तो इसीलिए अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी उसको बाल भी थोड़े कम ही है और हेयर बेल्ट रखती नहीं इसीलिए। तो चलिए इस वीडियो का इन मैं ये पे करती हूँ। फ़ैन बंद है और इतनी गर्मी लग रही है कि पूछे मत आप, और फ़ैन इसलिए बंद है ताकि आपको नॉइस ना आए बाहर बैकग्राउंड में इसीलिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे इतनी हंसी क्यों आई, एक्चुअली अभी जस्ट अभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर मैंने कभी गिव अवे रखा ना तो मैं किसी को अगर गिफ्ट मतलब गिफ्ट देना होगा ना जो भी विनर होगा उसको मैं माजू वाले आंटी का चिवड़ा दूंगी, मतलब मुझे इतना पसंद है कि पूछे मत, तो मैं गिफ्ट में से चिवड़ा भेजूंगी किसी को, इसलिए मुझे हंसी आई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।